Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. So it's day 2 in Dura and my second vlog. So I just woke up at 7:40 and you can see the mess here. First of all, I will clean the mess and then some clothes with you. So guys, मैंने room clean कर दिया है मेरा. Actually not मेरा. ये मम्मा पापा का room है. मेरा जो room है अभी तक मैंने खोला नहीं है. I don't know why. मैं खोलूँगी क्योंकि आज शादी में जाना है तो कपड़े निकालने वहाँ से, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूँगी रूम रूम खोलेंगे क्लीन वगैरह करना है. सो मैं ये तो आप लोगों को दिखा दूँगी, साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँगी. मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था कितने मंगाया था मैंने तो लेकिन रात के अपने रहते हैं. मैंने देखा था वैसे तो है नहीं, 3D दिखाया हुआ तो नहीं, थोड़ा सा पिक मैं आपको शेयर कर दूँगी. लेकिन सी अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होने जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, देन आप तो गाइस सब ने रूम अगेन आज टोल्ड यू कि मेरा रूम वो है रूम भी था मेरा रूम जो है वो ये है. तो बहुत टाइम से खोला नहीं था इसको, तो डस्टिंग वगैरह करनी है इसको. तो यार मैं ये थिंकिंग कि मैंने क्या किया अपने बालों को, एक्चुअली बालों को नहीं हिजाब को. एक्चुअली आई वाज शूटिंग समथिंग सम पिक्स फॉर इंस्टाग्राम. सो या मैंने इस तरह से कॉल कर दिया था. कमरे की सफाई हो गई है, मिरर भी साफ़ है, बट इसमें पहले से ही निशान है कुछ अलमारी हटती नहीं, लीव इट. सो बट यस, सो मैं इधर इसलिए क्योंकि आप मुझे कुछ कपड़े निकालने, कुछ हैवी ड्रेसेस जो मुझे पहनने, लाइक आज शादी में जाना है मुझे, बेसिकली आज मेहंदी है तो मुझे उसमें जाना है, तो आई हैव टू प्रिपेयर थिंग्स, प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द वेडिंग. सो देखते रहिए मैं कैसे क्या करती हूँ. अभी मैं कपड़े निकालूँगी अपनी हैवी, मतलब शादी में कपड़े निकालूँगी, देखूँगी कौन से गाय, क्योंकि आई वॉज इन प्रिपेयर की इधर आके. मैं इधर बस एक हॉलीडे लाई थी, कैसे मतलब हॉलीडे सिंपल, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आके मुझे शादी में जाना पड़ेगा. तो जितना भी मेरा सामान है सब जम्मू में रह गया. आई हैवन ब्रॉट एनी थिंग हियर. सो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बट फिर भी जो भी मेरे पास है मैं उन्हीं से काम चला लेती हूँ. एंड यस अब हम कपड़े निकालते हैं. सो गाइस आई एम हियर. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मुझे शादी में जाना है, सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा तो सो गाइस आई एम हियर. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, देन आई विल गेट फ्रेश्ड. सो मैं फ्रेश होने आई हूँ. आप अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू माय ब्रश. गाइस आई एम डन विद ब्रशिंग माय सेल्फ. ओके सो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है मुझे ये लगाना है फेस पे. कंसीट ये है बेसिकली मिक्सचर ऑफ एलोवेरा जेल, नॉट जेल, फ्रेश एलोवेरा, आई थिंक यस टर्मरिक, फ्रेश एलोवेरा, हल्दी और नींबू को मिक्स करके ये बनाया है. ये मेरी छोटी बहन ने मुझे बना के दिया है. कंसी अभी मुझे अपने फेस पे लगाना है. फर्स्टली जिस नींबू से मैंने इसका रस निकाला उसी नींबू से मैं मतलब ये अप्लाई करूँगी लाइक दिस. तो जेंटली मसाज करना है. मैं ये सब करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. गाइस यू कैन सी मैं अपने फेस पे जो अप्लाई कर दिया है, यू कैन सी. अब हम रिजल्ट के लिए वेट करते हैं. अंटिल दैट मैं इसको सूखने देती हूँ थोड़ा सा, 5-10 मिनट, जब तक अच्छे से सूखेगा. आफ्टर दैट आई विल शो यू द रिजल्ट. तो गाइस मेरा फेस जो है वो सूख गया है. आई कैन सी, यू कैन सी इट, ये सूख गया. अब मैं इसको वाइप करके आप लोगों से मिलती हूँ. मैंने अपना मुंह साफ कर लिया एंड यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द ग्लोइंग स्किन. तो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है स्किन. मैं जाती हूँ नहाने, तब तक गाइस एज यू कैन सी मैंने